वेलकम दोस्तों, आज आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कर्नाटक के मिल्क अफेयर, ठीक है, यानी कि कर्नाटक के दूध के बवाल की, क्या है कर्नाटक में दूध का बवाल। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए हुए लाल वाले बटन यानी कि सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो आ सकूं और उसे मोटिवेट हो सकूं और आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारा भारत देश इतना महान है कि कुछ कहने की नहीं है। हर एक चीज में सबसे पहले नंबर वन तरक्की करता है। जब भी हमारे भारत देश में कोई भी चीज राजनीति पॉलिटिक्स से जुड़ जाती है ना, तो उसे आर से क्या बनने में देरी नहीं लगती है। अगर वहाँ पे आ लिखा होता है तो हमारे भारत देश के लोग उसे पढ़ते हैं क्या, देरी नहीं लगती। इसी चीज इस यही सेम चीज हमारे कर्नाटक प्रदेश में चल रही है। अमूल, अमूल को तो आप सभी लोग जानते ही हैं। अमूल आज हमारे भारत का इतना बड़ा कोऑपरेटिव नाम है जिसको एक दो साल का बच्चा भी जानता है। जब सुबह होती है तो हमेशा उसकी माँ जो है अपने बच्चे से बोलती है, बच्चा जा और बगल दुकान से एक पैकेट अमूल का दूध ले आ चाय बना ले। इतना बड़ा आज अमूल है, अमूल को बच्चा बच्चा जानता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे भारत देश में इस समय सबसे बड़ी मिल्क प्रोड्यूसिंग की सबसे बड़ी दो कंपनीज हैं। पहली हमारी अमूल है और दूसरी हमारी नंदनी है। जो हमारा अमूल है ये गुजरात में इसकी फैक्ट्री है, कहां पे, गुजरात में, और जो हमारा नंदनी है इसकी फैक्ट्री है कर्नाटक में। ये दोनों ही कोऑपरेटिव कंपनी है। जो अमूल शब्द है अपने में ही बहुत बड़ा रहस्य है। इसका एक बहुत बड़ा फुल फॉर्म है जिसका नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसका नाम आनंद इस वजह से क्योंकि ये गुजरात के आनंद शहर में स्थित है, इस वजह से इसका नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। यानी ये अमूल का जो इस्टैब्लिशमेंट हुआ था ये एक बहुत बड़े मिल्क मूवमेंट की वजह से हुआ था, एक रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ था। या पहले जब जैसे कि आप लोग सुनते ही रहते हैं किसानों को जो है उनकी खेती के प्रोडक्शन का सही दाम नहीं मिल पाता है। आज भी लोग जो है जब गेहूं बेचना किसान जाते हैं वह बिजनेसमैन के पास, बड़े बड़े ठेकेदारों के पास, वो बोलते हैं उनकी जो ठेकेदार है अपनी अपनी खुद ही सिस्टम बैठा करके सेटिंग बना लेते हैं, और सेटिंग के तहत वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं इससे कम में गेहूं खरीदेंगे नहीं, तुम्हारा शुगर केन है यानी कि गन्ना खरीदेंगे ही नहीं, चना खरीदेंगे नहीं। तो उन्होंने अपना एक सेटिंग बना के रखा इससे कम, जिससे की वजह से क्या होता था, वो अपने जो खरीदने की प्राइसेस थे उसको बहुत डाउन रखते थे और लेकिन जो बेचते थे काफी हाई प्राइस में बेचते थे। इसकी वजह से क्या होता था, जो हमारे किसान है उनको जो है अच्छे दाम नहीं मिल पाते थे। तो ऐसे में जो किसान है हमारे सोचते थे कि बेचने से अच्छा कि वो सड़ जाए तो फेंक देते थे, या कभी कभी सुसाइड भी जनरली कर ही लेते थे। तो यही सेम चीज जो है आज उस समय जो है यही सेम चीज दूध के साथ होता था। हमारे इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन था दूध का, लेकिन जो ठेकेदार बड़े बड़े जमींदार बैठे होते जो कि दूध खरीदते थे और बड़े बड़े दूसरे दूसरे शहरों में जा जाकर के बेचते थे, वो किसान से दूध सस्ता खरीदते थे और वहां महंगा खरीदते थे, जिससे की वजह से जो ब्रीडर से काओ और बफेलो यानी कि गैया और गाय और भैंस को जो पाल करके दूध निकालते थे उनको जो है अच्छे दूध के भाव नहीं मिल पाते थे। तो ऐसे में एक इन लोगों ने जो है एक मूवमेंट, एक रिवॉल्यूशन चलाया और वहीं से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हुई जिसका नाम रखा गया अमूल। ये अमूल लगभग भारत के सभी राज्यों में अपना ट्रेड कर दिया है, कुछ राज्य छोड़ के जैसा कि कर्नाटक, और कर्नाटक में एक दूध डेयरी है अमूल की तरह एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव कंपनी जिसका नाम है नंदनी। हमारे भारत देश में दूध की मिल्क प्रोड्यूसिंग सबसे बड़ी कंपनीज है वो एक अमूल है, दूसरी है नंदनी। ये जो अमूल है इसमें भारत की नंबर वन कंपनी है, वही जो नंदनी है ये नंबर सेकंड कंपनी है। जो हमारा अमूल है ये गुजरात के आनंद शहर में है और जो हमारा नंदनी है ये कर्नाटक में है। ये जो नंदनी है वहां पे क्या है कि जो नंदनी है ये गवर्नमेंट एक कंपनी, इसको जो है गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंडर कंट्रोल किया जाता है जिसका नाम कर्नाटक मिल्क फेडरेशन है। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट स्थापना हुई थी वो 1974 में हुई थी और जो अमूल है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी। अब देखिए क्या है इसमें अफेयर क्या है कर्नाटक में कि जो अमूल है हमारा, सॉरी जो हमारा नंदनी है, ये नंदनी कर्नाटक का एक सरकारी प्रोडक्ट है, ये वहां का एक स्टेट ओन प्रोडक्ट है। वहीं जो अमूल है वो भी एक स्टेट ओन प्रोडक्ट है। जो अमूल है लगभग पूरे प्रदेश में भी अपना दूध बेचता है, वहीं जो कर्नाटक है यानी कि नंदनी है वो भी लगभग देश के राज्यों में दूध बेचता है।
लेकिन जो अमूल है और ये नंदनी है, नंदनी अपना दूध गुजरात में नहीं बेचता और अमूल जो है अपना दूध कर्नाटक में नहीं बेचता, क्योंकि इन दोनों कहने का मतलब है दोनों कोऑपरेटिव कंपनी से, दोनों सरकारिया कंपनी है, तो हम दोनों को कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जो है अमूल जो है कर्नाटक में दूध बेचना चाह रहा है। अब जब अमूल जो है कर्नाटक में दूध बेचेगा तो क्या होगा कि नंदनी की जो वैल्यू है वो वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि लोग जो है, हो सकता है लोगों का वहां पे मानना है कि नंदनी गिर जाएगा। तो वहां की जो उस समय सरकार है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है कर्नाटक में, उसका कहने का मानना है कि जैसे कि आपने हमारे राज्य के विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक वगैरह 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 को खत्म कर दिया, वैसे ही अमूल आ जाएगा तो हमारा नंदनी खत्म हो जाएगा। जो नंदनी दूध है वहां पे इसपे सब्सिडीज भी दी जाती है, अप्रोक्स 1200 करोड़ की जो है सब्सिडी पर ईयर हमारी गवर्नमेंट जो है नंदनी दूध को देती है, जिसकी वजह से नंदनी दूध के जो रेट्स होते हैं कम होते हैं। नंदनी दूध जो है जो सारे प्रोडक्ट बनाती है, जो कि एक अमूल बनाता है, जो जितने प्रोडक्ट अमूल बनाता है उतने ही प्रोडक्ट नंदनी भी बनाता है। तो देखिए इन दोनों में अफेयर ये है कि अगर आप जो अमूल है वो कर्नाटक में दूध बेचना चाह रहा है, अब वहां लोगों का मानना है कि अगर अमूल जो है कर्नाटक में दूध बेचेगा तो जो हमारा नंदनी है, जो उनका स्टेट ओन प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो इसी चीज के डर से जो वहां के लोग जो है मूवमेंट अलग अलग कर रहे हैं, अलग 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 धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग बैनर में लगा रहे हैं, वहां पे लिख रहे हैं सेव नंदनी, सेव मिल्क, सेव कर्नाटक, अलग अलग तरह के अलग अलग बैनर लगाए जा रहे हैं। इसी वजह से वहां की जो कर्नाटक की गवर्नमेंट, उसका कहने का मानना है कि जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट ने जो है कर्नाटक के बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे खत्म कर दिया, जैसे कि विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक वगैरह, वैसे ही अगर अमूल हमारे देश प्रदेश में मतलब आ जाएगा तो फिर हमारा जो नंदनी ब्रांड है वो भी खत्म हो जाएगा। नंदनी ब्रांड को गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी इसलिए देती है क्योंकि वहां गवर्नमेंट कहने का गवर्नमेंट का वहां पे मानना है कि लगभग सभी देश के लगभग 50 से 60% इंजीनियर जो है कर्नाटक से ही आते हैं, एरोस्पेस से रिलेटेड है, तो वहां के जो इंजीनियर है उनको अच्छी क्वालिटी का दूध मिलना चाहिए, इसीलिए जो और कम से कम दामों में मिलना चाहिए, इसीलिए कर्नाटक गवर्नमेंट है जो वहां पे दूध पे सब्सिडी देती है। इस वजह से जो नंदनी दूध है उसका प्राइसेस भी कम रहते हैं। जो नंदनी दूध है इस समय नंदनी का जो दूध है वो 39 रुपए पर लीटर बिक रहा है, वहीं अमूल का दूध है जो 66 रुपए पर लीटर बिक रहा है, और जो नंदनी का दही है वो 41 रुपए पर केजी बिक रहा है, और वहीं जो अमूल का दही है वो 61 रुपए पर केजी बिक रहा है। अब देखिए इन दोनों में कहना है कि नंदनी वाले यानी कि कर्नाटक का कहना है कि अमूल जो है हमारे में ना बेचिए, हमारे में जो है अगर नंदनी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है आपके राज्य में जाकर के, तो आप भी जो है हमारे राज्य में आके नंदनी को अफेक्ट ना करें, वहां की गवर्नमेंट का कहना है, बस इसी चीज पे बवाल हो रहा है। तो देखिए मेरे जो हिसाब व्यू के हिसाब से दोनों ही अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी से, दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए। अमूल गलत कर रहा है, अगर नंदनी नहीं बेच रहा है तो उसे भी नहीं बेचना चाहिए, दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी से, गवर्नमेंट दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट कंपनी से, और गवर्नमेंट जो है इन दोनों कॉपरेटिव को सपोर्ट करती है, तो इन दोनों के बीच में जो है इतना कॉम्पिटिशन गवर्नमेंट को नहीं दिखाना चाहिए और इतना का फर्जी का बवाल नहीं होना चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट अब क्या चाह रही है, उस दिन अमित शाह जो है कर्नाटक में आए और उन्होंने बोला कि अमूल को और नंदनी को जो है एक दूसरे में ही कंबाइन हो जाना चाहिए, मर्ज होना चाहिए, हो जाना चाहिए। इससे भी बहुत बवाल हुआ, बहुत बवाल हो रहे हैं। तो इसी चीज पे जो है कर्नाटक गवर्नमेंट जो है अभी तक अमूल को जो है कर्नाटक में बेचने के लिए परमिशन नहीं दे रही, लेकिन वही अगर आप दोनों ही सरकारी कंपनी से, तो दोनों में कॉम्पिटिशन मत करो, क्योंकि अगर आपके किसी व्यक्ति के 2 हाथ है तो आप इसको ज्यादा बढ़ावा देंगे, उसको ज्यादा बढ़ावा देंगे क्या? ऐसा तो नहीं है, आपके दोनों ही जो हाथ है वो तो आप ही के हैं, तो आपको दोनों को ही बराबरी से लेके चलना है, दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन नहीं कराना है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपका ये हाथ आपका ज्यादा मजबूत है तो इससे जो है ऐसे काम लेंगे और इसको जो है काट के फेंक देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, तो इसी चीज को जो है गवर्नमेंट हमारी गलत कर रही है, अमूल जो अपना कर रहा है वो अलग करे, जो नंदनी कर रहा है अलग करे, क्योंकि हाथ दोनों ही भारत के ही है ना, तो इनके बीच में कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहिए मेरे की व्यू के हिसाब से। बाकी गवर्नमेंट आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, वहां की पब्लिक और गवर्नमेंट अपोजिशन लीडर्स वगैरह उन सब पे डिपेंड करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगे, धन्यवाद।